जो लड़कियां होती हैं आजकल मेकअप की तरफ ज्यादा जा रही है, मेकअप का बहुत यूज करते हैं, और आप जानते हैं कि जैसे हम एंकर्स लोग होते हैं पूरा टाइम हम मेकअप में रहते हैं, तो कुछ ऐसा आप टिप्स बताइए कि मेकअप के साथ पूरे दिन हम अपनी कैसे हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। देखिए, मेकअप आजकल सब लोगों को करना बहुत पसंद है और मेकअप करना अच्छी चीज भी है, लेकिन मेकअप में भी हमें ये ध्यान रखना है कि क्या ये मेकअप हमारे लिए, क्या ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है, क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है, क्या ये, मैं नहीं कहूंगी कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए जाइए, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या वो आपको सूट कर रहा है। तो आप पहले एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, कोई भी, चाहे वो आपका फाउंडेशन है, लिप शेड है, आई शैडोज है, पहले आप उसको ट्राई कीजिए। अगर वो आपको एक हफ्ते तक नहीं कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो। एक आपको अगर उसको लगाने के बाद कोई इरिटेशन नहीं होती है जी, कोई एक्ने नहीं आते हैं, एक दो हफ्ते तक आपकी स्किन स्मूथ ही लगती है, तो आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट को लगाने के बाद अगले दिन या अगले एक दो हफ्ते में कोई रैशेज आ रहे हैं, कोई ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कोई पिंपल्स हो रहे हैं, आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, तो आपको फिर उस प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत है। देखो, मेकअप इज हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम। आप मेकअप यूज कीजिए, आपको धीरे पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेकअप में, आई वुड से, चाहे आप रोज मेकअप कर रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने हर पेशेंट को बोलती हूँ कि आप मेकअप रात को बिना उतारे नहीं सोइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हमारे फेस पे, हमारे पोर्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे एक दो महीने के बाद एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, जो हमें लगता है कि हमें तो अभी तीन दिन पहले तो हमारी स्किन ठीक थी, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, ये बेसिकली आपके धीरे धीरे पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो रहे होते हैं मेकअप की वजह से, उन पोर्स में मेकअप भरता जाता है क्योंकि आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो। वो पूरी रात भर 8 से 9 घंटे रात में जब आप सोते हो लगा के, आप लगाना, आप थक गए हो आके, चाहे आप कितना भी थक गए हो, चाहे आपका कितना भी रूटीन बिजी हो, आपको रात को मेकअप निकाल के जरूर सोना है। ये एक आपकी लाइफ का मंत्र होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। बिल्कुल। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपसे ट्रीटमेंट के बारे में। अभी हम पूछ लेते हैं कि कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नीरज जी का सवाल है कि हाउ टू रिमूव ब्लैक डॉट्स। ब्लैक डॉट्स, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि ब्लैक डॉट्स यूजुअली, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्ने के बाद, जो मुहासे के बाद जो ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं उनकी, उन के बारे में शायद ये पूछना चाह रहे हैं। तो नीरज जी, इस हेलो, हाँ जी समर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो हम प्रिवेंट करें कि एक्ने हमें ना हो, और अगर हमें होते भी हैं, जैसे कि मैंने कारण बताया कि कुछ कुछ कारण है ये सब करने से, डाइट फॉलो करने के बाद, लाइफस्टाइल ठीक करने से, अगर आपको एक्ने उसके बाद भी आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपने सही समय पे उसका इलाज कराया। सही समय पे इलाज कराने का फायदा ये होता है कि आपके मुहासे ठीक होने के बाद निशान नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर बाय चांस अब अगर आप फिर भी वो निशान छोड़ रहे हैं, या आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, आपके फेस पे निशान है, तो उसके लिए हमें, हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट है। आप क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो, जो हर 15 से 20 दिन में होते हैं, 2 से 3 महीने का इलाज होता है। उसमें आपको फ्रूट जेल्स लगाए जाते हैं, कुछ पील्स लगाई जाती हैं जो आपके पोर्स में जाती हैं, अंदर पेनिट्रेट करते हैं और आपके जो पिगमेंट सेल्स हैं उनसे पिगमेंट को हटाती है धीरे धीरे। तो आपके फेस पे जितनी डेड स्किन है उसको निकाला जाता है, तो जब वो डेड स्किन निकल जाएगी तो जो न्यू स्किन आएगी वो आपकी पिगमेंटेशन फ्री होगी। तो और ऐसी कई सारी क्रीम है, ओवर द काउंटर क्रीम्स तो मैं नहीं कहूंगी, कभी भी सजेस्ट करूंगी कि आप केमिस्ट से जाके खुद से दवाइयां ले लीजिए, क्योंकि उन क्रीम्स में 100% स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड आपको उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक दो महीने आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो आपकी स्किन को धीरे धीरे बर्न करने लगेगा, आपके फेस पे बहुत लंबे बाल आने लगेंगे, आपकी फेस बहुत, आपकी स्किन बहुत पतली होने लगेगी। तो ये कुछ कारण होते हैं कि आपको केमिस्ट से इलाज ना लेकर, या कोई घरेलू नुस्खे ना करके, या अपने से कुछ सेल्फ मेडिकेशन ना करके, डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन के लिए एक परफेक्ट क्रीम लेना या फिर एक ट्रीटमेंट कराना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्योंकि आजकल तो मैं देख रही हूँ मेरे पास बहुत सारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं और सब आके, डॉक्टर हमने ये क्रीम लगाई थी या हमने ये क्रीम लगाई थी केमिस्ट से लेके, लेकिन उन सारी क्रीम्स में स्टेरॉइड हो रहा है और वो किसी को परमानेंटली डैमेज कर देगा। तो आप ऐसे चीजों से दूर रह के, और सोशल मीडिया या इन चीजों में जो क्रीम सबके लिए प्रमोट की जाती है, वो जरूरी नहीं है कि आपको भी सूट करेगी।